नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने निराले अंदाज के कारण हमेशा लोगों के दिलों में और सुर्खियों में रहते हैं। अनिल विज की ख्याति इतनी है कि कभी उनके कड़े तेवर तो कभी उनके गीत चर्चा का विषय बन जाते हैं। वैसे तो अनिल विज को विभिन्न मौकों पर गीत और संगीत पर मस्त हुए कई लोगों ने देखा है, लेकिन आज सुबह वे एक निराले ही अंदाज में और पूरे जोश के साथ बॉलीवुड की फिल्म के एक गीत को गाते हुए नजर आए। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अनिल विज को गायकी का शौक है। आज सुबह भी अम्बाला कैंट के सुभाष पार्क में बैठकर अनिल विज ने समा बांध दिया। ये गीत सोशल मीडिया पर वायरल होने के पश्चात जिसने भी देखा वो मंत्रमुग्ध हो गया। अनिल विज ने 1955 की फिल्म श्री 420 का रमैया बस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया ये गीत इस कदर गाया कि वहाँ उपस्थित सभी लोग तालियां बजाते हुए सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। अनिल विज ने झूमते हुए गाया कि रमैया बस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया, नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैंने दिल तुझको दिया। आपको बता दें कि एक माह पहले गृह मंत्री अनिल विज ने मशहूर बॉलीवुड गायक बी प्राक के साथ भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए देशभक्ति का गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा गाया था। अनिल विज का मानना है कि दुख और निराशा को गीत संगीत से बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। गायक बी प्राक की ओर से गाए बढ़ते जाना है इंडिया हंसते जाना है गीत में भी अनिल विज के कोविड समय में किए गए प्रशंसनीय कार्यों के वीडियो शामिल किए गए हैं। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।